हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को काफी कम समय रह गया है। इसी बीच प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के पोते और सदन विधायक अनिल शर्मा के बेटे आश्रय शर्मा ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने बीते दिनों 3 वर्षों तक भाजपा से दूरियां बनाने के बाद विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में परिवार सहित पार्टी में वापसी की घोषणा की थी। प्रयास किया। कौल सिंह ठाकुर जी ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। मैं सम्मान पूर्वक ठाकुर साहब को ये कहना चाहता हूँ, ठाकुर साहब मेरा नाम चंपा ठाकुर नहीं है, मेरा नाम आश्रय शर्मा है। मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पिता ने एक फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी में रहने का। उनकी ये सोच रही कि पार्टियाँ बदल कर लोग जो हैं ये बात कहते हैं कि कभी एक दल कभी दूसरा दल, तो जिस दल में मैं हूँ उसी दल में मैं रहना पसंद करूँगा। मैं उनकी बात का सम्मान तो करता हूँ, परंतु उस समय भी मैंने उनको कहा था कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहरहाल उन्होंने फैसला लिया, इस बात का मैं सम्मान करता हूँ और आज ये निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से मैं अपना इस्तीफा देता हूं, अपने कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप से भी इस्तीफा देता हूं और अपना इस्तीफा जो है मैंने माननीय सोनिया गांधी जी के समक्ष भेज दिया है। और क्योंकि नैतिकता के आधार पर जब मैंने चुनाव लड़ा था तो अनिल शर्मा जी से किसी ने उनका इस्तीफा नहीं मांगा था, मगर नैतिकता के आधार पर उन्होंने जब अपना मंत्री पद त्याग दिया, मुझको लगता है नैतिकता के आधार पर अब मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं अपने पदों से इस्तीफा कर दूं। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का तहे दिल से धन्यवादी हूं। जब पंडित सुखराम जी उनको मिले तो उन्होंने उनको एक ही बात बोली कि पंडित सुखराम जी आप एंस्टर न्यूज के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। पारिवारिक